जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो जो ये वीडियो को देख रहे हो भाई, मल्टी डिसिप्लिनरी जो जर्नल है यहाँ पे देख सकते हो। लगभग यहाँ पे मैं लगभग 16 पार्ट बना चुका हूँ। आज होगा 17 वाला पार्ट, उसमें 5 और जर्नल फ्री वाला जर्नल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि जो पहला वाला जर्नल के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन। सेकेंड वाला जो जर्नल के बात करेंगे, सेफ्टी हेल्थ एंड वार के ऊपर। थर्ड वाला जो जर्नल के बात करेंगे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और चौथा वाला जो जर्नल के बात करेंगे, फ्रंटियर ऑफ ऑर्थो इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज का जो लास्ट वाला जो जर्नल के ऊपर बात करेंगे, वाटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सब जर्नल फ्री है, अभी देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इस जर्नल के बारे में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिशन, जो कि अभी देख सकते हो कि भाई साइट स्कोर 6.2 है। और यहाँ पे 2010 से लेके प्रेजेंट तक लिखा हुआ है, ग्रोइंग साइंस का है। कौन सा अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का अगर रिलेटेड होगा, तभी जाके यहाँ पे रिसर्च पेपर आप सबमिट करो। यहाँ पे देखो 6.2 था, अभी 5.7 हो गया है। कुछ नहीं, चलेगा। 5.7 बहुत अच्छा साइट स्कोर है। और ये सिर्फ स्कोपस का इंडेक्सिंग का नहीं, दूसरा वाला भी इंडेक्सिंग है। सेम चीज को क्या कर सकते हो, गूगल में जाके सर्च करोगे तो इस तरह का ग्रोइंग साइंस का वेबसाइट आ जाएगा। पहला वाला ये वाला ओरिजिनल है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसको क्लिक करके आप अंदर को जा सकते हो। तो इस तरह का फ्रंट पेज आएगा, आप देख सकते हो अपना जो जर्नल होगा। अगर देखोगे इंडेक्सिंग में भाई, ये एससीआईई वाला है, स्कोपस वाला है, एससीआई मैगो वाला है और डीओएजी वाला है, मतलब स्कोपस और साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला इसको आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखना चाहते हो तो इम्पैक्ट फैक्टर 3.3 लिखा हुआ है, बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है 3.3। और देख आप स्कोपस का तो दिखे ही, 5.7 साइट स्कोर है आज का टाइम में। अगर एप्लीकेशन मतलब पब्लिकेशन फी के लिए अगर देखोगे, यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग फी है, इसको अगर क्लिक करते हो तो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई दिस जर्नल डज नॉट चार्ज एनी फी आइदर रिव्यूइंग द पेपर और आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो पैसे चार्जेस ये वाला जर्नल आपके लिए नहीं लेगा। ठीक, उसके बाद अगर देखोगे भाई कितना टाइम लगता है, तो जो लाटेस्ट वाला पब्लिकेशन है इसको आप खोल सकते हो। यहाँ पे दिया है लाटेस्ट वाला, इसको अगर खोलते हो तो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक तो पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और कितना टाइम लगता है इस जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए, आपको एक तो आइडिया आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे अगर देखोगे भाई, जो आर्टिकल इश्यू हुआ था अक्टूबर 27, 2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था फरवरी 19, 2024 को, तो लगभग यहाँ पे 4 महीना का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर। दूसरा वाला और एक आर्टिकल दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी अगर देखोगे, दिसंबर दिसंबर 1, 14, 2023 को रिसीव हुआ था और फरवरी 26, 2024 को, तो लगभग 3 महीने टाइम लग रहा है। तो अगर ये जर्नल को, अगर आपका रिसर्च एरिया है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे 6.2 साइट स्कोर का और 3.2 इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है, 3 से 4 महीने का टाइम लगाता है। सेकेंड वाला जर्नल के ऊपर डिस्कस करते हैं कितना टाइम लगता है और कहाँ पे फ्री लिखा हुआ है उसके बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन देखोगे तो सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 6.4 है साइट स्कोर, 2010 से लेके प्रेजेंट तक के एलसीवियर का है, आईएसएन नंबर, इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट करता है, सेफ्टी रिसर्च का ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हो, केमिकल हेल्थ सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, रिस्क, रिलायबिलिटी, क्वालिटी का अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। 6.4 देखो साइट स्कोर है, कुछ चेंजेस नहीं आया है। अगर इसको क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितना टाइम लगता है, तो इसको जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जो साइंस डायरेक्ट वाला ऑप्शन है उसको आप क्लिक कीजिए। ठीक है, पहला वाला लिंक भी है, लेकिन अभी ये क्या है कि साइंस डायरेक्ट में है, तो यहाँ पे साइंस डायरेक्ट में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। साइंस डायरेक्ट जाके सर्च करने के बाद अगर वहां पे देखोगे, देखो भाई 6.4 साइट स्कोर है और इम्पैक्ट फैक्टर है 3.5 इम्पैक्ट फैक्टर है, तो ये दोनों चीज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे व्यू ऑल इनसाइट में अगर मारोगे, व्यू ऑल इनसाइट में मारोगे, अच्छा खासा दिखाएगा भाई। 6.4 साइट स्कोर है, 3.5 इम्पैक्ट फैक्टर है, 90 दिन का रिव्यू लेता है, जो पहला रिव्यू लेता है 90 दिन का रहता है। जब आप सबमिशन करोगे और एक्सेप्टेंस के लिए 139 डेज लगता है, तो लगभग 5 महीना का टाइम यहाँ पे लगेगा, मतलब 4 महीना 20 दिन इस तरह का, 19 दिन इस तरह का लगेगा।
और वहाँ पे पर मतलब एसेट से पब्लिकेशन होने के लिए 8 दिन लगाएगा। एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है, 7% है, उसी हिसाब से आप सबमिट करना है सर। एक्सेप्टेंस रेट इतना कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पेपर क्या होता है कि सबमिशन होता है, तो इसलिए ज्यादा रिजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 7% है। लेकिन 7% पे अच्छा खासा एक ठो है। यहाँ पे अगर देखोगे प्राइस चार्जेस के ऊपर, तो यहाँ पे अगर गाइड फॉर ऑथर में लगाते हो और यहाँ पे ओपन एक्सेस क्लिक करते हो, तो यहाँ पे ओपन एक्सेस पेज में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऑथर डू नॉट हैव टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, तो यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अगर ये जर्नल को सिलेक्ट कर रहे हो, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 6.4 है, इम्पैक्ट फैक्टर भी है उसका, और अभी उसके ऊपर डिस्कस किया, और फ्री वाला जर्नल है, ठीक है, टाइम लगाता है 4 महीना 19 दिन, इस तरह टाइम लगाता है एवरेज टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जर्नल का है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइंस टेक्नोलॉजी, 6.7 साइट स्कोर है, 2012 से लेके प्रेजेंट तक है। यहाँ पे साइट आईएसएन नंबर दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। कौन कौन सा रिसर्च ये वाला जर्नल सबमिशन मतलब सबमिशन के लिए एक्सेप्ट करता है? ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के लिए, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, पॉलिसी, लॉ के ऊपर, अगर ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे आप सबमिट जाके कर सकते हो। 7.2 अभी बढ़ के 6 पॉइंट से साइट स्कोर वो हो गया है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। कैसे करना है? सिंपल जाके यहाँ पे गूगल सर्च करो, ठीक है, ऑलरेडी मैं गूगल सर्च करके रखा हूँ। यहाँ पे साइंस डायरेक्ट का आएगा, ठीक है, यहाँ पे पब्लिशर का नाम अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो के ई ए आई कम्युनिकेशन आज के टाइम में साइंस डायरेक्टर है। साइंस डायरेक्ट का वेबसाइट में जा सकते हो और या इसको जाके खोल सकते हो। खोलने के बाद इस तरह का आपका पेज आ जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये सिर्फ स्कोपस का है, 6.7 साइट स्कोर का है, और अगर टाइम देखोगे तो भाई जो रिव्यू टाइम होता है 130 डेज लगाता है, लगभग 4 महीना 10 दिन सिर्फ रिव्यू टाइम लगाता है। अगर सबमिशन से एक्सेप्टेंस टाइम अगर देखोगे तो भाई लगभग 199 डेज मतलब 200 डेज का आसपास लगेगा, 6 महीना 19 दिन इस तरह का आपको लगेगा। और जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा पब्लिकेशन के लिए सिर्फ 9 दिन लगता है। ये वाला चीज आपको पता चल गया, 6 महीना लगभग लगता है, 6 से 7 महीना। अगर पैसा चार्जेस कितना लगता है तो ऑथर फॉर गाइडलाइन में जाइए, ऑथर फॉर गाइडलाइन का ये वाला पेज खुलने दीजिए। यहाँ पे ओपन एक्सेस जहाँ पे लिखा है इसको क्लिक कीजिए। ओपन एक्सेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल पेपर सबमिटेड बिफोर 31 दिसंबर 2024 द एपीसी विल बी वेब मेकिंग इट फ्री टू सबमिट टू द जर्नल। अगर आप 31 दिसंबर 2024 आज हो गया अप्रैल 2024, तो अगर 31 दिसंबर 2024 से पहले यहाँ पे अगर रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हो तो आपको पैसे चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं बता दिया, लगभग 6 से 7 महीना लगता है रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए। आपका रिसर्च एरिया होना चाहिए ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, पॉलिसी, लॉ, ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए, और 6.7 साइट स्कोर है, फ्री वाला है 31 दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट चौथा वाला जर्नल के ऊपर हम अगर डिस्कस करेंगे, जर्नल का नाम है फ्रंटियर ऑफ ऑर्थो इलेक्ट्रॉनिक्स। साइट स्कोर देख सकते हो कि 6.8 है, यहाँ पे 2012 से लेके प्रेजेंट तक है, तो डिस्काउंटिंग वाला यहाँ पे चक्कर वाला नहीं है। हायर एजुकेशन प्रेस, हायर एजुकेशन प्रेस इसका पब्लिशर का नाम है, आईएसएन नंबर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिमल एंड मैग्नेटिक मटेरियल जो है इसका रिसर्च एरिया है, तो इस एरिया में अगर आपका रिसर्च वर्क है तो सबमिट कर सकते हो। 7.7 साइट स्कोर है, इसको देख सकते हो अभी बढ़ गया 6.8 से। इसको सेम चीज आपको जाके क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाके सर्च करो तो आ जाता है, स्पिंजर का आ जाता है, तो स्पिंजर को यहाँ पे फ्रंटियर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स को आप क्लिक करना पड़ेगा। अगर जब क्लिक करते हो तो इस तरह का पेज में आ जाएगा आपका, ठीक है, फ्रंटियर ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई फ्री ऑफ एपीसी नाउ, आज का टाइम में ये फ्री चल रहा है, एपीसी चार्जेस नहीं हो रहा है, ठीक है। नो लेंथ लिमिटेशन, जो रिसर्च पेपर है आप 30 पेज का कर रहे हैं या 40 पेज का कर रहे हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कंटिन्यूअस आर्टिकल पब्लिकेशन मतलब साल भर यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर देखोगे इम्पैक्ट फैक्टर वाला पेपर है, यहाँ पे 5.4 इम्पैक्ट फैक्टर है, 5 साल का अगर देखोगे तो 3.5 इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है। अगर समय देखना चाहते हो, जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है इसको आप क्लिक कर सकते हो, लेटेस्ट वाला पेपर को यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा स्पिंजर लिंक में जब भी आपको देखना है तो इस तरह का पेपर आ जाता है, तो पूरा जाके नीचे जाके चेक करना पड़ता है। तो नीचे जाकर देखोगे तो जो आर्टिकल इश्यू हुआ था 28 जनवरी 2024 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 10 मार्च 2024 को, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 1.5 महीना के अंदर रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया है। दूसरा वाला भी इस तरह का चेक कर सकते हो, ये वाला मैं चेक करके दिखा देता हूँ।
इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जाके नीचे चेक हो, स्पिंजर नेचर का वही होता है, पूरा नीचे जाके चेक करना पड़ता है आपको। यहाँ पे 8 अगस्त 2023 को और रिसीव हुआ था, और जो एक्सेप्ट हुआ था 3 मार्च 2024 को, तो लगभग यहाँ पे 4 3 7 महीना का टाइम लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1.5 महीने से 7 महीना किस तरह का वेरिएशन हो रहा है इस जर्नल में। तो फ्रंटियर ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 6.8 साइड स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर वाला है, 5.2 वाला इम्पैक्ट फैक्टर वाला है, 2012 से प्रेजेंट तक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वाला सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज का पूरा लास्ट वाला जो जर्नल है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वाटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 7.0 साइट स्कोर है, 2010 से लेकर प्रेजेंट तक के एडिटोरियल ऑफिस ऑफ वाटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिशर हाउस का नाम है। आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। आप रिसर्च वर्क ओशन इंजीनियरिंग के रिलेटेड होना चाहिए और किसका ऊपर होना चाहिए, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर देखोगे तो थोड़ा सा साइट स्कोर डिक्रीज हुआ है 6.6, फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे साइट स्कोर है। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ को जाना है और यहाँ पे गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। और साइंस डायरेक्ट वाला में चलिए इसको आप खोलो। साइंस डायरेक्ट में खोलने के बाद यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा, और ये इम्पैक्ट वाला फैक्टर वाला जर्नल है, यहाँ पे देख सकते हो कि 7 साइट स्कोर है मतलब स्कोपस का, और 4 इम्पैक्ट फैक्टर मतलब वेब ऑफ साइंस का है। अगर यहाँ पे देखोगे सबमिशन से एक्सेप्टेंस के लिए कितना टाइम लगाता है, 156, लगभग 6 महीना टाइम लगाता है। ठीक है, 6 महीने में आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश होने का चांसेस है। गाइड फॉर ऑथर दिया है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। गाइड फॉर ऑथर में अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा ओपन एक्सेस के पास। ओपन एक्सेस के जाने पर ओपन एक्सेस पेज को क्लिक कीजिए, और यहाँ पे लिखा है कि ऑथर डू नॉट हैव टू पे एनी ओपन एक्सेस पब्लिकेशन दी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ये वाला जर्नल आपको फ्री में हो जाएगा, पैसा चार्जेस नहीं होगा। तो वाटर साइंस इंजीनियरिंग से इम्पैक्ट फैक्टर वाला पेपर है, स्कोपस वाला पेपर है, और फ्री वाला पेपर है। लगभग 6 महीने का टाइम लगता है, 6 महीना 6 दिन का एक्सेप्टेंस मतलब सबमिशन से एक्सेप्टेंस के लिए जितना टाइम लगता है 6 महीने के ऊपर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाय।